नमस्कार वेबवार्ता में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद पूरा देश हिला हुआ है, पूरे देश में गुस्सा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, आखिर यह खून की होली कब तक चलती रहेगी? ये तब तक चलती रहेगी जब तक इन नक्सलियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कड़े उपाय नहीं किए जाते। सरकारें नीतियां बना रही हैं। रमन सिंह की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में है और उन्होंने कहा था कि नक्सलियों का सफाया करेंगे और इस बारे में बहुत सारी बातें की थी, कई ऑपरेशन चलाए थे। आप देखिए कि साल 2004-05 से लेकर साल 2011 तक बहुत सारे जवान लगातार शहीद हुए हैं, जिनकी संख्या साल भर में 100, 125, 150 के आसपास रही है हर साल। लेकिन 2011 से 2015 के बीच में इस संख्या में कमी आई है। इसका मतलब जवान उतनी संख्या में शहीद नहीं हुए, तो सरकार की कोई नीति थी जो कारगर रही है। अब लगातार 16-17 से हम देख रहे हैं कि फिर बढ़े हैं। ताड़मेटला में एक बड़ी घटना हुई थी, वहीं नक्सली जो घना इलाका है दक्षिणी बस्तर का, ताड़मेटला के जंगल में। और आप देखिए कि ये जो ताजा हमला हुआ है, दोनों में एक बड़ी समानता है कि तब भी वो खाना खाकर अपने कैंप में बैठे थे और उन पर हमला हुआ था और 75 जवान शहीद हो गए थे। अभी जो हमला हुआ है इसमें भी रोड ओपनिंग पार्टी गई थी, खाना खाया, उन्होंने खाना खा के हल्का सुस्ता रहे। और ये गुरिल्ला युद्ध जो नक्सली करते हैं उसमें वो इसी तरह की नीति अपनाते हैं। तो ये बहुत दुखद है, बहुत परेशान करने वाला है, बहुत हिला देने वाला है। कहां हम देश में बड़ी बड़ी दूसरी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के भीतर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना सीना ठोक रहे हैं, लेकिन देश के भीतर हमारे जवान यूं शहीद हो जाने को मजबूर हैं। रमन सिंह कहते हैं कि नक्सली विकास से बौखला गए हैं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह कहते हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिर इन बयानों का मतलब क्या है? देखिए, अभी तो बहुत गहरी नाराजगी और इन बयानों का कोई मतलब अब तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि इसकी कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होती जिसमें जवाब मिलता हुआ दिखाई दे। ये बात रमन सिंह जी की कुछ हद तक सही है कि विकास से बौखलाए हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है उसके आसपास सड़क निर्माण का काम चल रहा है और ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैले हुए घने जंगल हैं जो नक्सलियों के गढ़ रहे हैं। और नक्सलियों की अभी तक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन जंगलों तक पहुंच का जो रास्ता है वो नहीं है और इसी का फायदा उठाकर वो इन जंगलों में अपनी बसाहट करते हैं, गांव वालों का इस्तेमाल करते हैं। गांव वालों की दुविधा तो दोनों तरफ से है कि नक्सली भी उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, हमला करते हैं, उनको अपनी शील्ड बनाकर, अपनी ढाल बनाकर उपयोग करते हैं। और दूसरी तरफ जब सेना सामने होती है तो सेना भी सोचती है कि नक्सलियों से गांव वाले मिले हुए हैं, वहां की स्थितियां बहुत विषम है। ये जो गई थी रोड ओपनिंग पार्टी भी, ये इसीलिए गई थी कि जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है उस क्षेत्र में वो ठीक से चले, निर्बाध रूप से चले, नक्सली कोई जमीनी सुरंग बिछाकर या किसी तरह का दूसरा हमला करके सड़क निर्माण के कार्य को बाधित नहीं करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कि ये जो जवान है सीआरपीएफ के, ये शहीद हुए हैं। और ये केवल छत्तीसगढ़ के जवान नहीं है, बाहर से अनेक राज्यों से आते हैं, अपनी ड्यूटी करने आते हैं और अपनी जान पर खेलकर वहां पर विकास के कार्यों को की निगरानी कर रहे हैं। और वो ये बात रमन सिंह जी की सही है कि बौखलाए हैं, लेकिन अगर सिर्फ मुख्यमंत्री इतना कह दे कि बौखलाए हैं तो बौखलाहट के लिए आप पहले से तैयार क्यों नहीं थे? आपको मालूम है कि एन उनकी मांद में घुसकर जहां नक्सलियों पहले तो इतने सालों में गढ़ पनप कैसे गया? कोई भी जंगल इतना घना, इतना दुर्गम और इतना असहज नहीं हो सकता कि हमारी सरकार, हमारी सेना वहां तक नहीं पहुंच पाए। और अगर वो बना हुआ था तो इतने सालों से क्यों बना हुआ था? वहां पर पीडब्ल्यूडी ने जब ठेके निकाले हैं सड़क निर्माण के, तो उसके लिए कोई ठेकेदार सामने नहीं आया, क्योंकि ठेकेदार को मालूम था कि उस पर हमला होगा और उसको काम नहीं करने दिया। ये सब तथ्य हैं, ये जमीनी सच्चाइयां हैं। और जब हम इस हमले पर आक्रोश जताते हैं तो इन सच्चाइयों से भी वाकिफ होना चाहिए। लेकिन ये सरकार को जब मालूम था कि आप सड़क बनाएंगे, विकास करेंगे और उस विकास की पहुंच की वजह से नक्सलियों की हरकतों पर असर पड़ेगा, नक्सली असुरक्षित महसूस करेंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए था। यदि कि ऐसा नहीं लगता कि अब सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में एक साथ सैन्य अभियान चलाए जाने की जरूरत है? ये बात लंबे समय से होती रही है, जॉइंट ऑपरेशंस भी हुए हैं और ये तो खासतौर पे तेलंगाना से लगा हुआ इलाका है और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जैसे एसटीएफ का गठन हुआ है, विशेष दल बनाए गए हैं, उन अब ये बात भी हो रही है कि उनकी साझा कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो सीआरपीएफ के जवान थे इनके साथ एसटीएफ के या ब्लैक कोबरा के या जो विशेष तौर पर नक्सली ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए जवान वो नहीं थे, इसीलिए ये इतनी 25-26 मौतें हो गई। देखिए 20-21 मौतें तो इसलिए हुई जो सीधे आमने सामने का मुकाबला हुआ, उसके बाद जो लाश लेने के लिए, पार्थिव शरीर लेने के लिए जवानों के गए थे उसमें भी वो 4-5 लोग मारे गए अपने। तो ये कितने घातक तरीके से, हमने पहले भी इनके तरीके देखे हैं कि लाशों के सीने में तक उन्होंने बम रखे हैं ताकि लाश को ले जाने वाले लोग भी मारे जाएं। इस तरह की क्रूर
घातक और गंदी प्रवृत्तियों से जो नक्सली अपना काम को अंजाम दे रहे हैं उनसे निपटने के लिए हमें भी उनसे आगे की सोच रखनी पड़ेगी, उनसे चार कदम आगे का सोचना पड़ेगा, तभी हमारे जवान शहीद नहीं होंगे। केवल ये कह देने भर से कि चूंकि विकास कार्य चल रहा है तो वो बौखलाए हुए, अरे भाई विकास कार्य चल रहा है बौखलाए तो आपको उनसे आगे की सोच रखिए, वो हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस जो पार्टी थी इसके साथ विशेष प्रशिक्षित दस्ता क्यों नहीं था, हम उतनी मात्रा में वहां पर सैनिक क्यों। और इसके लिए तो जरूरी है कि हम एक पूरा सघन ऑपरेशन, एक अभियान 3 से 6 महीने का चलना चाहिए, जिसके बाद हम ये कम से कम निश्चिंत हो सके कि सारे विकास कार्य हो सकते हैं, बड़ी मात्रा में नक्सलियों को या तो अपने क्षेत्र में समेट दिया गया है या उनका खात्मा कर दिया गया है या उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, तो ही विकास कार्य ठीक से पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि हम केवल कोई कारण देते रहे या कोई बहाना बनाते रहे उससे इन जवानों की जिंदगी तो वापिस अब आ नहीं सकती। जयदीप जी, हमारे यहाँ कन्हैया की बात बहुत होती है, उमर खालिद की बात बहुत होती है, लेकिन शहीदों के परिजन किस हाल में हैं इस बात पर कभी बहुत ज्यादा बात नहीं होती। ये भी बहुत अफसोसजनक स्थिति है कि हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे मुद्दे हैं, दादरी का कांड है, बेमुला है, इस तरह के मुद्दों को इतना अधिक तूल मिल जाता है, असहिष्णुता की बातें होती है देश में, लेकिन ये देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो जवान हैं इनकी जब मौत होती है, अचानक इतने सारे जवान मारे जाते हैं, हमने तो यहाँ देश के बुद्धिजीवी वर्गों को ये तक देखा है कि वो नक्सलियों से सहानुभूति जताते हैं, नक्सलियों के जो काम है उनको न्याय संगत ठहराने की कोशिश करते हैं, इनके जो दोहरे मापदंड है इसी की वजह से देश में खराब वातावरण बनता है। इस हमले को किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, और जो लोग नक्सलियों को गांधीयन विद गन्स बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि ये गांधीयन विद गन्स है, गांधी ने जिन अहिंसा की लड़ाई लड़ी, आप कहते हैं कि ये विचारधारा उनकी है लेकिन बंदूक से लड़ रहे हैं, इतनी बकवास बातें आप कर रहे हैं जब हमारे देश के जवान इस तरीके से शहीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं इस देश में ठीक तरीके से तय करनी पड़ेगी, किन मुद्दों पर प्राथमिकता से हमें बात करनी है, शोर मचाना है, आवाज करनी है, वो तय करना पड़ेगा। और हमारे निश्चित तौर पर ये जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला किया है तो उसकी आलोचना करना, उसकी भर्त्सना करना, सरकार को मजबूर करना कि वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ये हमारी प्राथमिकता है, हमें आवाज उठानी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो जवान है उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे सुकमा में नक्सली हमले की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।